हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो घर का ऊपर जो सीढ़ी घर होने दो, चाहे कैरेडर एरिया होने दो, या तो जो भी पार्किंग एरिया में जहां पे सीट डाला, टीन का या आजबेस्ट का सीट डाला जाता है, अगर वो सीट डैमेज हो जाए या होल हो जाए या रस्ट होकर होल हो जाता है, बारिश होने पर जो पानी नीचे गिरता रहता है, उसको कैसे रिपेयर करें और किस तरह उसको रिपेयर करने से वो सालों साल रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये एक फ्रेंड्स नया टेक्निक है और अभी मैं इसको कर रहा हूं और इसको इसलिए मैं सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। फ्रेंड्स, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा पे ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा पहले ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियो आपको हमारा चैनल में आगे मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सीट होल हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे बारिश होने के टाइम में ये पानी गिरता रहता है और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी पाइप जो सीट डैमेज हुआ है और इसी तरह का बहुत सारी जगह में मैं आपको दिखाता हूँ। ये जगह पे देखिए सीट फट गया है, ये फट गया है और इधर भी देखिए कि होल है और इसी तरह का देखिए बहुत सारी जगह में सीट रस्ट होके ऐसे ही होल हो जाता है। तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, इसका टेक्निक में मैं आपको बताता हूं कैसे उसको पैच करें। फ्रेंड्स, इस तरह का जो डंबर का सीट आता है, देखिए ये रोल का सिस्टम में आता है, मैंने अभी ऑलरेडी खोल दिया हूं धूप में थोड़ा डालने के लिए। तो ये डंबर का पूरा सीट है, इसका एक तरफ प्लास्टिक लगा रहता है। जब आप अप्लाई करोगे तो उस टाइम में प्लास्टिक मैंने दिखाया तो जो इसे निकालना पड़ता है, और कैसे निकाल के डालते हैं मैं आगे दिखाता हूँ। तो ये डंबर सीट है, तो ये सीट को आपको 150 रुपीस कुछ मीटर आता है, इसको आप इसको ले सकते हैं। उसका साथ फ्रेंड्स कुछ डंबल एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, वो भी 120 रुपीस कुछ केजी है। ये देखिए ये डंबल है, इसको लेना है और इसको एक टीन के माध्यम से हम गर्म कर रहे हैं। इसी तरह का आप गर्म कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर मैंने देखो डंबल अंदर डाल रहे हैं और ये गर्म हो रहा है। गर्म होने के बाद ये मेल्ट हो जाएगा तो ये पेंट की तरह रहेगा। तो इसी को कुछ भी ब्रश का सिस्टम होने दो। मैंने तो अभी केले का कि झाड़ का छोटा सा टुकड़ा लिया हूँ, इसमें मैं अभी गर्म करके इसमें ही ब्रश टाइप काम कर रहा हूँ। तो इसी तरह का उसको क्या करना है, गर्म होने के बाद जब पतला हो जाएगा फिर आप उसको अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, ये जो डंबल का सीट है ये सालों साल चलता है, ये खाली सीट का नहीं है। जहाँ भी लीकेज होता है, छत पर भी आप डाल सकते हो, कहीं भी जॉइंट हुआ तो भी वहाँ पर आप ऐसे डाल सकते हैं। तो इसको मैंने इतने लंबा रोलर का सिस्टम में आता है, ये हमने इसको एक तरफ से कट करके जितना हमको चाहिए पीस करके कट करके आपको डाल सकते हो जहाँ जहाँ लीकेज हो रहा है। फ्रेंड्स, पाइपलाइन का भी कहीं फट गया तो भी इसको पैच कर सकते हैं। इसमें वो अगर उसी को कट के उसको लगा के आप पैच कर दिया तो भी लीकेज निकल, ड्रेनेज लाइन में खास करके ये पैच कर सकते हैं इसमें। इसी तरह का जो सीट फट गया है उसको कैसे रिपेयर करते हैं मैंने ऑलरेडी दिखाया। चलिए उसको कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, देखिए ये जो फटा हुआ है, अब इसको कैसे पैच करते हैं। पहले जो डंबर है वो तो गर्म करके लिया है ना, अभी उसको थोड़ा ऐसे ऊपर लगा देना है जहाँ पे डैमेज हुआ है। उसको लगाने के बाद फिर आपको ये जो डंबर का सीट है उसको एक तरफ से कवर रहता है, वो कवर को निकाल के फिर आपको ऐसे पैक कर देना है। कुछ भी नहीं है, वो ऑटोमेटिक चिपक जाएगा और ये सालों साल ऐसे ही रहेगा, लीकेज नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसी तरह का देखिए बहुत सारी जगह में जहाँ जहाँ होल हुआ था रिपेयर किया गया है। इसी तरह का आपको जो भी सीट का होने दो, चाहे छत का होने दो, जहाँ पे वो ऐसे पानी का लीकेज होता है तो आप इसी सीट को इसी तरह का आप लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और एक जगह है, इसी तरह का पहले उसको डंबर को लगा देना है, लगाने के बाद फिर आपको पैच करना है। देखिए ये पैच हो गया। फ्रेंड्स, इसी तरह का रिपेयर आप कर सकते हो जहाँ पे भी ऐसे लीकेज है, तो इसी डंबर का सीट और प्लस डंबर ये दोनों आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो इसी तरह का रिपेयर होता है। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही है।